हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये एक टाइप का फिलर एपिसोड होने वाला है। मींस इस वीडियो में मतलब इस एपिसोड में नारुतो एंड बोरुतो का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये एपिसोड पूरा का पूरा टीम 15 मतलब जो सुमेरे क्लास रैप होती है उसके टीम के ऊपर ये पूरा एपिसोड है। एंड मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द बोरिंग फिलर एपिसोड। एंड बाय द वे, इस एपिसोड में होता यह है कि उन जो क्लास रैप होती है उनकी टीम में से एक बंदी छोड़ के चली जाती है, माफ़ करना क्लास रैप भी छोड़ के जाती है क्योंकि उसका दूसरा असाइनमेंट होता है, वो हम वीडियो में देखेंगे। बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका अगला एपिसोड है उसमें जो हिनाटा का जो पापा होता है मतलब बोरुतो के ग्रैंडपा जिनका नाम होता है याशी, उसका बर्थडे होता है। एंड उस पर तो हम पूरे हमारा 10-20 मिनट खर्च नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई आई डिसाइडेड उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो भी फिलर टाइप है यार। एंड 140 तक तो फिलर है, अगर आपको नहीं पता था गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलता। सो अगला एपिसोड डायरेक्ट 141 पे ही आएगा, तो कमेंट मत करना कि भाई तुमने ऐसा किया वैसा किया। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं कि क्या होता है इस बोरिंग एपिसोड में। टीम 15 के दो मेंबर वसाबी एंड नामिडा चोचो और सरदा के साथ बैठे होते हैं क्योंकि वो नाराज होते हैं कि क्लास रैप उनकी टीम को छोड़ के जाएगी। वो एक जो साइंटिफिक निंजा रिसर्च लैब होती है उसमें उसका एक ट्रेनिंग होती है, असाइनमेंट होती है, इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है इनकी टीम को छोड़कर। पर जब वसाबी देखती है कि उसकी जो फेयरवेल पार्टी है वो होने वाली है तो उसे अच्छा लगता है। वो कहती है कि हम क्लास रैप को एक अच्छा सा सरप्राइज़ देंगे इस फेयरवेल पार्टी से, जो कि मतलब सेंड ऑफ होता है ना गाइस, वैसा ही। हनाबी सेंसेन नामिडा एंड वसाबी को बुलाया होता है और किसी काम के लिए बुलाया होता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक लड़की आती है, बट नामिडा को लड़की नहीं दिखती और वो उसके ऊपर से जंप मार के नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद हम वो कहती है कि है ज़रा संभल के, मुझे लगता था ना ये बहुत ख़तरनाक था। तो वो लड़की कहती है क्या लीफ विलेज के सारे शिनोबी भी ऐसे ही है, एंड वो चली जाती है जंप मार के। अगला सीन होगा कि ऑफिस का होता है जहाँ पर एक कागज़ होता है जिस पर लिखा होता है एक समुराई स्टूडेंट आने वाला है एक्सचेंज में टीम 15 के एक मेंबर के जो क्लास रैप होती है। एंड वो जो लड़की होती है जो क्लास रैप की जगह पर आने वाली होती है वो एक समुराई होती है, ना कि एक शिनोबी। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में नामिडा एंड वसाबी हनाबी के पास पहुँच जाते हैं। हनाबी कहती है कि तुम लेट हो, मिलो तुम्हारे टीम के नए मेंबर से। वो वहाँ पर खड़ी, नामिडा कहती है अरे वो तो वही लड़की है जिसने मुझे टक्कर मारा था रे। उसके बाद हम देखते हैं कि हनाबी कहती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। वो लड़की नीचे उतरती है और कहती है मेरा नाम है सुबाकी एंड मैं लैंड ऑफ आयन से हूँ और मैं एक समुराई हूँ। सो फिर हनाबी कहती है कि मैं लीफ विलेज छोड़ रही हूँ, मुझे एक खतरनाक मिशन है। एंड उस मिशन में जो गुंडों को उन्हें पकड़ना होता है उसकी फ़ोटो वो दिखाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामिडा एंड सुबाकी के बीच में झगड़े हो जाते हैं। अब नामिडा एंड सुबाकी के बीच में बिल्कुल नहीं जमती, सो वसाबी कहती है हम एक ही टीम में यार, झगड़े मत करो प्लीज़, ऐसा करोगे तो कैसे होगा, हमारा टीम 15 टूट जाएगी यार। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुबाकी होती है वो कहती है कि अच्छा हुआ भी मैच रुक गई, नहीं तो यहाँ पर किसी की मौत होने वाली थी। उसके बाद जो नामिडा होती है वो कहती है कि इस बुद्धू का इस विलेज में क्या काम है वैसे भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बर्गर शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो और बाकी सब बैठे होते हैं। एंड बोरुतो कहता है कि लैंड ऑफ आयन में का समुराई यहाँ पर आया है टीम 15 में। देन सिकाड़ा अपने दिमाग दौड़ाता कहता है उनकी एक अलग ही ट्रेडिशन और अलग ही कल्चर होता है। बोरुतो कहता है ऐसा क्या, बस मुझे ज़्यादा नहीं जानना। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह की वहाँ पर आती है एंड वो शारदा के सामने खड़ी होती है। एंड शारदा कहती है अरे वो तो तुम ही हो ना जो कि वो लैंड ऑफ आयन से आई है वैसे भी, और वो एक समुराई है। उसके बाद चोचो आती है और कहती है कि ये लो थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ खा लो। सुबाकी कहती है मुझे फ्रेंच फ्राइज़ नहीं पसंद, पता नहीं क्या वक्त दे रही मुझे खाने को। शारदा कहती है कोई बात नहीं तुम अभी भी आई हो। तो सुबाकी कहती है तुम कुछ काम की नहीं, चश्मे शांत बैठ। उसके बाद शारदा को गुस्सा आता है, कहता है कि हे तुम्हारे सुबह पे लगाम दो नहीं तो बुरा होगा। तो चोचो उसे रोक ली, तिर कहती है शारदा रुक जाओ यार। शारदा को गुस्सा आता है, शारदा वैसे निकल जाती है एंड जो चोचो होती है वो भी उसके पीछे चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वसाबी एंड नामिडा को एक जो गुंडा होता है टेररिस्ट वो मिल जाता है। तो फिर नामिडा कहती है चलो इसे पकड़ते हैं। वसाबी कहती है नहीं हमें पहले हनाबी मैम को ये बताना पड़ेगा। तो फिर नामिडा को बहुत पता नहीं क्या हो जाता है, वो कहती है कि कोई बात नहीं हम ये अकेले ही कर लेंगे। एंड वो उस चोर को पकड़ने के लिए भागते हैं, उनको ये ऑथराइजेशन होती नहीं है पर फिर भी। उसके बाद सुबह की ये देख ली थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे भी जाके देखना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो चोर जा रहे होते हैं, उनमें से एक यहाँ पर खड़ा होता है। वसाबी एंड नामिडा उनके पीछे खड़े होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक नहीं वो तीन तीन इंसान हैं एंड वो एक ही जगह पर है, बस छुपे हुए थे। एंड पता नहीं आगे इनका क्या होगा। पर जो नामिडा होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
एंड वो कैट क्लॉक जुत्सु करती है एंड वो कहती है अब तुम सबको एक एक करके मारोगी। तो वो सबसे पहले इस गुंडे को मारती है, वो गुंडा नीचे गिर जाता है, बट जो मेन विलन होता है वो उसे कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसमें भी पावर्स होती है। वो कहता है कि तुम्हें स्पीड तो है पर तुमसे ज़्यादा खतरनाक मैं हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वसाबी होती है वो रो रही होती है, बट नामिडा कहती है कोई बात नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामिडा भी आखिर में थक जाती है और वो भी नीचे गिर जाती है, पर वसाबी हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाती रोने के अलावा एंड वो एक पेड़ को जाकर लगती है एंड नीचे गिर जाती है। देन हम देखते हैं कि नामिडा कहती है कि वसाबी देन हम देखते हैं कि जो नामिडा होती है वो सिर्फ देख रही होती है क्योंकि वसाबी मार खा रही होती है एंड वो कुछ कर भी नहीं सकती। वह आदमी कहता है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम कुछ नहीं कर सकती, बट पीछे से सुबह की आती है और कहती है कि मैं एक समुराई हूँ मैं कोई शिनोबी नहीं हूँ और तुम मेरे हाथ से अब जाने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो उसके सामने आता है, वो कहता है कि देखते तुम्हें कितना जम है। सुबह की उसके ऊपर पहला अटैक करती है तो वो चौंक जाता है, वो कहता है कि अरे ये तुम्हें तो बहुत पावर है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कहती है अब मैं मेरी स्वॉर्ड निकालेगी तो देखना क्या क्या निकलेगा। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है जिसमें बहुत सारा चाकरा होता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को एक बार घुमाती है और कहती है सीक्रेट स्वॉर्ड स्नो स्ट्रॉम स्लैश। फिर हम देखते हैं कि जो जितनी जगह होती है उस जगह में एक बड़ा सा मतलब टोर्नेडो जैसा आता है एंड उसके बाद बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ पर टूट जाते हैं, वो जो दो तीन वो गुंडे होते हैं वो भी हवा में उड़ जाते हैं एंड मामला शांत हो जाता है। फिर हैना भी कोई जब भी बात कहती है समझ जाती है तो इन दोनों पे चिल्लाती है, वो कहती है कि नामिडा वसाबी तुम्हें समझता नहीं क्या, अगर तुम्हें कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो नाम किस पे आता मुझ पे मेरी नौकरी चल जाती यार। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास रैप वहाँ पर आती है, सुबह क्यों कहती है कि आप मिस सुमेरियो है ना टीम 15 की कैप्टन। देन हम देखते हैं कि वो उनकी दोनों की बात चल रही होती है, वो कहती है कि बस अभी अच्छी लड़की है बस मैं थोड़ा ईगो है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका फेयरवेल होने वाला होता है एंड सारे बच्चे उनके क्लास के एक जगह पर खड़े होते हैं एंड बुरुटो कहता है कि हियर वी गो एंड फिर वो पटाखे फोड़ते हैं एंड आतिशबाजियाँ करते हैं और कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन क्लास रैप कंग्रेचुलेशन एंड क्लास रैप कहती है थैंक यू गाइज, क्योंकि वो अभी एक साइंटिफिक रिंजा असाइनमेंट टीम में चली जाती है एंड उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। बोरुटो कहता है मुझे आशा है कि तुम अपना काम वहाँ पर अच्छा करोगी क्लास रैप। सो इसके साथ आज की बोरिंग एपिसोड खत्म हो गया है एंड वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो एंड गुड बाय।